गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं टारगेट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग अभी फर्स्ट रिएक्शन ही बात कर रहे हैं, उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। लेकिन आपको बताते हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म फिनिश्ड होते होते हम लोगों का 90% रिएक्शन फिनिश्ड हो जाएगा। तो आज हम आपको एडिशन रिएक्शन फिनिश्ड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन सा एडिशन? फ्री रेडिकल। जैसे ही कहा जाए फ्री रेडिकल तो CH3 है ना, H, ये सब का सब क्या है? फ्री रेडिकल। जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको ही हम लोग किस नाम से जानेंगे? फ्री रेडिकल के नाम से जानेंगे। याद है जो फ्री रेडिकल, एक क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस बाय द डैश डैश फिशन। आंसर लिखिएगा जो कौन सा फिशन के द्वारा खोजना है। दूसरा टर्म है एडिशन रिएक्शन। देखिए ये जो एडिशन रिएक्शन है वे वहां संभव होगा जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा, और मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां कहीं भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो उसी केस में हम लोग क्या कहेंगे, जो कौन सा घटना होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। तो अभी हमको बात करना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो हम डिटेल बात कर लेते हैं जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है। तो चले हम लोग समझें इस बात को। देखिए अल्किन्स एंड अल्काइन, अल्किन्स याद है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, गिव्स फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड हीट और परऑक्साइड HNu मतलब सनलाइट। देखिए ये ऑर्गेनिक, आप ये मान के चलिए जो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको रटना पड़ेगा, आप जो ये सोचेंगे जो कैसे हुआ क्यों हुआ इस उलझन में जल्दी रहेंगे तो नतीजा आपको ये होगा, जो आप मेडिकल इंजीनियर या कंपटीशन कम लेकिन साइंटिस्ट ज्यादा बन जाएंगे, और साइंटिस्ट ज्यादा बन जाएंगे तो नतीजा होगा जो आपको MSc BSc करना पड़ेगा। इसीलिए आपको कुछ यहाँ पे जितना पॉइंट कहते हैं जितना पे दिमाग को रोकना है बस रोक देना है। समझ रहे हैं बात को? तो जिस तरह से आजकल आम का सीजन है, आप जानते हैं जो हम लोग आम को जैसे ही येलो कलर हो तो कह देते हैं ना, जो पका हुआ आम है, तो उसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, जो अल्कीन और अल्काइन कौन सा रिएक्शन देता है, फ्री रेडिकल एडिशन। किसके साथ देता है? तो HBr के साथ देता है। किसके प्रेजेंस में? तो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और जैसे ही कहा जाए परऑक्साइड तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे ही हम लोगों को कहा जाए परऑक्साइड तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, और परऑक्साइड में कोई ना कोई कंपाउंड होगा जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और ये साइन हीट का दिए है, फिर परऑक्साइड और सनलाइट। अब सवाल है, हम लोग जानते हैं जो HBr जहां होगा वहां बात HCl का, HF का, HI का, ये सभी हो सकता है। तो आपको एकदम याद रखना है HF, HCl, HBr, HI do not give this reaction. This reaction मतलब ये reaction, ऊपर वाला। Sorry, मत पूछ लीजिएगा सर जी क्यों नहीं, समझ गए? क्यों का कभी भी मत पीछे पड़िएगा।
देखिएगा जिस बच्चा को नीट नहीं होता है कहेगा इस बार आपको क्यों नहीं हुआ। तो इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फिजिक्स में उतना अच्छा मेहनत नहीं किए थे, इस बार श्योर हो जाएगा। फिर अगले बार इस बार क्यों नहीं हुआ, अरे फिजिक्स में लगे रह गए ना तो इस बार केमिस्ट्री थोड़ा पीछे पड़ गया। चलिए फिर अगला बार इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री में लगे रह गए तब बायोलॉजी इस बार क्यों नहीं हुआ तो इस बार जो है भैया के शादी में चले गए थे वगैरह वगैरह। समझ रहे ना बात को, इसीलिए क्यों का बहुत बड़ा रीजन है। हाँ जहां जरूरत होता है क्यों का मैं आपको जरूर देंगे, लेकिन कुछ छोटा विद्वान वाला बच्चा जो है जिसको पढ़ाई पर कम और अपना अंदर जो उसका विद्वता उफान मारते रहता है उस पर जैदे जोड़ देता है तो उस सबको ऑफिस में ऑफलाइन में व्यवस्था होता है दे दनादन। समझ गए ना, आप लोगों में भी एक वाचिंग करता है वो थोड़ा उफान मारने वाला है, समझ गए ना, उसको भी ठीक ठाक करेंगे हम, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पढ़ने वाला ही टिकेगा, वे जो फोकस मारने वाला है वे टिक नहीं सकता। समझ गए ना, तो आपको रट जाना है HCL, HBI, HI, ये रिएक्शन नहीं देगा। अल्कीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव एडिशन प्रोडक्ट, ठीक। इन दिस केस प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। हम लोग बात किए हैं इससे पहले एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट कहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर। तो ये जो है HBr परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट देता है HF, HCl, HI ऑलवेज, ध्यान दीजिए ऑलवेज गिव मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ऑलवेज मतलब चाहे परऑक्साइड हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही ऑलवेज गिव मार्कोनिक तो कौन सा एडिशन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा। क्लियर है बात, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो चलें सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए, तो चलिए बना लिए। अब देखिए यहां पे HBr कोई परऑक्साइड नहीं है, और जब परऑक्साइड नहीं है तो ये फॉलो करेगा मार्कोनी कॉफ रूल को, और यहां पे परऑक्साइड है H न्यू मतलब सनलाइट या हीट, तो ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट। इस दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं, यानी यहां क्या कह देंगे ओबे मार्कोनिकॉफ रूल, समझ गए, और यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इस दोनों में अंतर समझ लीजिए, मार्कोनिकॉफ के अनुसार हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन अधिक है, सिंपल सी बात में। तो देखिए सबसे पहले यहां एडिशन रिएक्शन होगा क्योंकि यहां पाई बॉन्ड है, तो अब इस पाई बॉन्ड है तो एडिशन होगा, तो जैसे ही आपसे कहा जाए सिंपली मार्कोनिकॉफ तो हाइड्रोजन को वहां ला दीजिए जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो हाइड्रोजन तो यहां अधिक है तो ये हाइड्रोजन यहां जुट जाएगा, अब ब्रोमिन यहां जुटेगा, जुट गया। अब देखिए जैसे ही परऑक्साइड रहे तो एंटी मार्कोनी, अब जब मार्कोनी आपको याद है, ध्यान दीजिए यदि मार्कोनी क्या है आपको याद है, उस सिचुएशन में ही आप क्या सोच सकते हैं एंटी मार्कोनी का बात सोच सकते हैं, यदि आपको मार्कोनी ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्या समझिएगा एंटी मार्कोनी का। समझ रहे हैं बात को, तो इसीलिए हम लोग यहां पे ये क्या देख रहे हैं, जो परऑक्साइड है तो जस्ट अपोजिट मतलब हाइड्रोजन वहां जोड़ दीजिए जहां हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन तो यहां कम है तो यहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे, अब ब्रोमीन यहां जोड़ देंगे। समझ गए बात को, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, एक सवाल और ले लेते हैं। चलें फिर से देख लीजिए,
वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बनाइए, ठीक है। चलिए बना लिए, चलिए देखते हैं अब हम। तो यहां इस बार HCl लिए हैं, तो जब HCl लिए हैं तो ये ClCH3 हाइड्रोजन को वहां जोड़ दिए जहां हाइड्रोजन अधिक है, क्योंकि ओबे करेगा कौन सा एम रूल, मतलब मार्कोनी कॉफ रूल। परऑक्साइड हो तो उस सिचुएशन में भी इस पे कोई फर्क पड़ने वाला ना है, यानी चाहे HCl हो, HF हो, HI हो, परऑक्साइड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ये याद रखना है, ठीक। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चले हम लोग देखें अगेन क्या इसका नेमिंग है। परोपीन, परोपीन को HBr के साथ रिएक्शन कराया जाए, ध्यान रहे किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड या परऑक्साइड हीट और परऑक्साइड सनलाइट, तो ये प्रोडक्ट देगा। ये कैसा प्रोडक्ट है, तो एंटी मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट है ना। और ये क्या कहते हैं, और ये एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, या इसी को कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, है ना, या इसी को कहते हैं खराश इफेक्ट। ये सब का सब इसी को हम लोग कहते हैं। ये तो खराश इफेक्ट। तो चलिए इसका आज हम मैकेनिज्म समझ लें, जो क्या होता है मैकेनिज्म। तो जैसे ही हम लोगों से कहा जाए फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जो प्रोसीड करेगा वे तीन स्टेप में, पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। जैसे ही आज के बाद फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहा जाए तो हम क्या कह देंगे, कितने स्टेप में प्रोसीड करता है, थ्री स्टेप में, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो हम कहेंगे सबसे पहले चेन इनिशिएशन, नेम से ही स्पष्ट है, जो इनिशिएशन मतलब क्या होना, स्टार्ट करना, और मतलब इस केस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी इस केस में हम लोग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक। तो अब फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन है वे होगा कैसे, किस तरह से होता है, तो इसमें आप देखे हैं जो परऑक्साइड लिया जाता है, और परऑक्साइड का मतलब क्या समझते हैं, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड। यदि आर मतलब कोई ग्रुप होगा तो परऑक्साइड पे क्या यूज कर देंगे, एच न्यू मतलब सनलाइट, या नहीं तो क्या, हीट। तो ये जो परोक्सी बॉन्ड वीक होने के कारण ये बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटेगा कैसे, तो होमोलाइटिकली, होमोलाइटिकली, होमोलाइटिकली मतलब ये बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है इक्वली दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, आर ओ आर ओ, ये फ्री रेडिकल बन गया। और ये जो प्रोसेस होता है ये पॉजिटिव, या यूं कहें जो डेल एच जो होता है ग्रेटर देन जीरो, और यदि डेल एच ग्रेटर देन जीरो तो ये प्रोसेस क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक होता है, और इंडोथर्मिक का मतलब तो समझते ही हैं, हीट एब्जॉर्बिंग। ये जो बना यही क्या है, फ्री रेडिकल है, और यहां जो फिशन हुआ है ये कह देंगे होमोलाइसिस हुआ है, और होमोलाइसिस मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा,
समझ गया बात को। तो सबसे पहले यहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। अब जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया तो अब ये क्या काम करेगा, तो यहां पे ये जो फ्री रेडिकल है उस फ्री रेडिकल का नेचर सुन लीजिए। यदि किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल है तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करके अगेन फ्री रेडिकल बना सकता है, दूसरा वे फ्री रेडिकल कंबाइन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना सकता है। तो यहां पे होता है क्या, ये जो HBr दिए उसके कांटेक्ट में ये फ्री रेडिकल आता है। ये सब का सब हम लोग इमेजिनेशन समझ रहे हैं जो ऐसे होता होगा। अब ये फ्री रेडिकल ये बना देता है ROH और ये बन गया कौन सा फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब यहां पे ये क्यों चला गया, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वे ज्यादा है और इसका कम है, दूसरी बात ये स्टेबल प्रोडक्ट देगा, इसलिए इस तरह से फ्री रेडिकल बन गया। ठीक, तो ये पहला स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, जो इनिशिएशन हुआ है। अब मेरे पास तो स्पेस कम है इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। समझ गए बात को, तो चलिए हम मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखें अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ाना। किसी काम को यदि आगे बढ़ाते हैं तो उसको ही किस नाम से जाना गया है, प्रोपेगेशन के नाम से जाना गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे CH3, CH, CH2 और पहला जो स्टेप में फ्री रेडिकल बना ये इसके कांटेक्ट में आता होगा, और जैसे ही ये आता होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है। देख लीजिए, ये फ्री रेडिकल यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये फ्री रेडिकल यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो यदि ये फ्री रेडिकल यहां अटैक कर दे, मान लिया जाए ये CH3CH, देखिए इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां इसके साथ मिलने जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, एक, और यहां पाई बॉन्ड है टूट जाएगा, तो यहां पे ये CH2Br और यहां फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो दूसरा है, दूसरा केस जो हम बात कर रहे हैं, जो ये यहां पे जाकर के अटैक कर दिया, तो यदि यहां, तो यहां पे ब्रोमीन जुटेगा, अब यहां ये फ्री रेडिकल बन गया। अब बताइए तो ये कितने डिग्री का फ्री रेडिकल है, तो 1 डिग्री का, सॉरी ये 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है ना, और ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो बता सकते हैं जो इस दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ये मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। अब क्या होगा, यहां पे ये मोर स्टेबल होने के कारण ये प्रोडक्ट यानी हम लोगों का यहाँ पे जो फर्दर जो हाइड्रोजन अटैच होगा वे किस में होगा, मोर स्टेबल के जगह में हो जाएगा। हैं, तो जब मोर स्टेबल के जगह, तो अब एक इसी प्रोपेगेशन के अंदर चेन ट्रांसफर स्टेप, देखिए हम इसी में दिखा दे रहे हैं, यहां क्या होगा HBr, तो ये H इसके कांटेक्ट में जाएगा और बन गया CH3CH2CH2Br, और ये तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल गया। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा HBr, तो ये H यहां अटैच हो जाएगा CH3CH Br CH3। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट यदि देख रहे हैं तो ये क्या कह दीजिएगा, ये जो प्रोडक्ट होगा वे मेजर मतलब अधिक बनेगा, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर। अब यहां से यहां जो प्रक्रिया देख रहे हैं
इसका नाम है चेन ट्रांसफर स्टेप, ट्रांसफर स्टेप के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे बुक में गैप है, नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। समझिए बात को, जब ये फ्री रेडिकल बन जाता है तो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H को एक्सेप्ट कर लेता है और इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, चेन ट्रांसफर स्टेप कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इससे ऐड हो रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन इससे ऐड हो रहा है, और जहां कहीं भी एडिशन का प्रोसेस होगा वे एक्सोथर्मिक होगा, यानी ये जो स्टेप होगा दिस स्टेप, हम डायरेक्ट साइन की भाषा में निगेटिव है, दिस स्टेप में क्या होगा, डेल एच निगेटिव, और डेल एच निगेटिव तो आप क्या कह दीजिएगा, जो कौन सा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक है। तो सिंपली हम लोग यही कहेंगे जो चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, एक फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और फिर एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देता है। समझ गए बात को, यहां पे इसी बात को हम बात करेंगे अभी, नाम रख दिया गया है टर्मिनेशन स्टेप। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चेन टर्मिनेशन, लास्ट में चेन टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन का मतलब अंत हो जाना। टर्मिनेशन अकर्स बाय एनी और ऑल ऑफ द रिएक्शन व्हिच यूज अप स्पीशीज इन्वॉल्व इन द प्रोपेगेशन स्टेप, जो भी प्रोपेगेशन स्टेप में मिला वे सब का सब अंत हो जाता है। दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो तो Br2 बन जाएगा, दो इस तरह का हो तो यहां पे देखिए ये इससे अटैच हो गया है ना, यानी टर्मिनेशन का मतलब ही होता है जो मिल जाना। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे, जो जब भी हम लोगों का फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा तो वे कितने स्टेप में, थ्री स्टेप में, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो आप देख लीजिए रीजन स्पष्ट कर देते हैं जो HCl में क्यों नहीं होता है। HCl रिक्वायर हाई एनर्जी टू क्लीवेज HCl बॉन्ड, H और Cl के बीच बॉन्ड ब्रेक होने के लिए हाई एनर्जी जरूरत पड़ता है, कौन सा स्टेप में, चेन ट्रांसफर स्टेप में, इस कारण से ये फ्री रेडिकल एडिशन शो नहीं करता है। दूसरा, इसी तरह से HI रिक्वायर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स में जाकर के पढ़िएगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी बाहर से ऐड किए जाने वाला एनर्जी हाई जरूरत पड़ता है इसलिए। ठीक, अब ये आपको HW रहा, ये HW आपको क्या करना है, बनाना है और सेंड करना है WhatsApp पे। ठीक, अगले रोज हम आपके साथ बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।